या लब, क्या हो गया? आप ठीक तो है? क्या हुआ? It's just my leg. नहीं नहीं, लगता है आपको मोच आ गई. आप आइए यहाँ बैठ सोफी. फरहान, I'm fine. आप आइए यहाँ सोफी बैठिए. आइए आइए, आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए. या अल्लाह, मैं तो अपना पैर भी नीचे नहीं रख पा रही हूँ. एक मिनट मुझे दीजिए, मुझे दीजिए. आराम से आराम से. फरहान, ये मैं आपके लिए लेकर आई थी. ये देखिए, इस पे मैंने ये लिखा है. ठीक लग रहा है आपको? हो जाएगा. फरहान, आप ये पिल्लो दिखा सकते हैं मुझे? एक मिनट, यहाँ पे रखिए. ये लीजिए. फरहान, ये हार्ट शेप पिलो ऐसा लगता है जैसे किसी क्राइम का गवाह है. है ना? आराम से नीचे, आराम से. और आपके इस क्राइम में आपकी पार्टनर समीरा है ना? आप चीप क्राइम. अरे आप तो इस तरह से डर रहे हैं जैसे आपने किसी का खून किया हो. मैं तो उस क्राइम के बारे में बात कर रही थी जो बहुत ही रोमांटिक होता है. किसी का दिल चुराना, ये भी तो बहुत बड़ा और रोमांटिक क्राइम है ना? और ये हार्डशिप पिलो ऐसे किसी रोमांटिक क्राइम का गवाह है ना? और आपके इस रोमांटिक क्राइम की पार्टनर सिर्फ समीरा हो सकती है, क्योंकि वही तो है जिसका आप पर, आपके दिल पर पूरी जिंदगी पर हक है. और जहां तक मैं देख रही हूं, किसी और के लिए आपके दिल में जगह नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं. अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. एक्चुअली समीरा तो है, लेकिन फरहान, आपके माथे पर ये पसीना और आंखों में ये घबराहट, बहुत क्यूट लग रहे हैं आप. ऐसा लगता है आपको राहत चाहिए. आप प्यार की? अब फरहान, so why don't you leave me to my room? Yeah, of course. चलिए आइए. फरहान, thank you. Yeah, of course. Thank you. Bye. Shh.
घबराओ नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं और कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें, क्योंकि देर से ही सही तुम पर यकीन हो गया है मुझे कि तुम इनोसेंट हो, इतनी नादान हो। साबित कर दिया तुमने कितनी अच्छी हो तुम, और वाकई में बदल गई। मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि जो खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो किसी और को क्या पहुंचाएगी। तुम तो इतनी नादान हो कि खुद की जान भी नहीं ले पाई। बताओ ऐसे थोड़ी कलाई काटते हैं, ऐसे करने से ना तो जान जाती है और जख्म भी जल्दी भर जाता है, तो फायदा क्या हुआ। नहीं, मैं बताती हूं कि कौन सी नस कितनी गहराई से काटनी चाहिए। वो क्या है ना, चाकू को सही नस पे थोड़ा गहराई में मारना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊं, अच्छे से सीख लेना ठीक है। नहीं 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 नहीं, पर तुम अभी सीख के क्या करोगी। अगर इंसान एक बार मर जाए उसके बाद थोड़ी मरने की कोशिश करेगा। नहीं तो तुम ऐसा करो, आंखें बंद करो और रिलैक्स करो, क्योंकि तुम्हारी जान लेने में कसम से मुझे बहुत मजा आएगा। क्या कर रही हो, छोड़ो। मैं क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो। तुम बेहद करती हो तनवीर, तुम्हारी मदद ही तो कर रही हूं। तुम्हें तो अपनी जान देकर अपनी सच्चाई साबित करना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इधर आओ, हटो ना, हटो। मैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हटो यहाँ से। कम ऑन तनवीर, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब। अरे अगर एक्टिंग करनी थी, ड्रामा करना ही था तो कोई ढंग का कर लेती, क्या फालतू में नस काट ली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया, भूल गई। तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम एक ट्रेन नर्स हो। हुनर कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है, हमारी नर्सिंग की ट्रेनिंग काम आ ही गई। देखो अब ये खेल खत्म हो चुका है, इसलिए जो ड्रामा कर रही हूं ना ये बंद कर दो, क्योंकि कमरे में सिर्फ मैं और तुम। क्यों ऐसे फालतू की एक्टिंग करके अपना भी और मेरा भी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हो। मेरे पास एक डील है, तुम मुझे मेरे अब्बू के बारे में बताओ और मैं तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए माफ कर दूंगी। आज तक जितनी भी तुमने की, डन। वाह, हमें ये तो पता है जोया कि तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन तुम इतनी समझदार हो ये हमें नहीं पता था। ये सब छोड़ो, ये जो तुम्हारी डील है ना ये हमें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तुम्हारे अब्बू के नाम के बदले सिर्फ माफी कुछ कम नहीं है। ओहो, तनवीर कोई काम करे और उसके पीछे उसका कोई मतलब ना, कोई मकसद ना, कैसे हो सकता है ये। तुम बेवकूफ हो, मुझे सीधे सीधे आके कह देती कि तुम्हें क्या चाहिए। ये फोटोग्राफ के टुकड़े भेजना, ये नस काट लेना, ये इतना ड्रामा, क्या जरूरत थी ये सब करने की। अब इसमें हम क्या करें जोया, हमारे मिजाज ही कुछ ऐसे हैं। कभी जिंदगी हमारे साथ खेल खेलती है और कभी हम जिंदगी के साथ खेल खेलते हैं। वैसे तुम जिस डील के बारे में बात कर रही हो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अब्बू के नाम के बदले में हम जो चाहेंगे हमें वो मिलेगा। मैं जानती हूँ तनवीर, इंसान की औकात जितनी छोटी होती है उसका मुंह उतना बड़ा खुलता है। बताइए क्या चाहिए आपको। हमें, हमारे दिल ने तो सिर्फ एक ही आरजू की, जिसकी हमने इबादत की है, सोते जागते बस
बस हमने उसी को चाहा है। हमारी एक एक सांस, एक एक धड़कन में सिर्फ वो है। और हमने आज तक जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए ही किया, पहले भी और अब भी। असद, पता नहीं इधर अब तक आए क्यों नहीं, कहाँ रह गए? बजे चाचा, आपने हैदर को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। स्ट्रेंज तन्वीर, इतनी बड़ी बड़ी और खतरनाक सी प्लानिंग करने वाली तन्वीर, कभी कभी कितनी बचकानी बातें करती है ना। पता तुम्हें कितना बचपना है, बच्चों की तरह असर चाहिए कि रट लगा के रखिए। इतनी बार तुम कोशिश कर चुकी हो मुझे और मिस्टर खान को अलग करने की, कुछ हुआ नहीं ना? लेकिन नहीं, तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मिस्टर खान तुम्हें मिल जाएंगे। तन्वीर, अब तो माशाल्लाह मेरा और मिस्टर खान का निकाह हो चुका है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन सिर्फ निकाह हो जाने से दो लोग एक तो नहीं हो जाते ना जोया, जैसे कि तुम लोग नहीं हुए अभी तक। उसके लिए तो तुम्हारा तो अभी तक वलीमा भी नहीं हुआ जोया, सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है कह देने से निकाह मुकम्मल तो नहीं हो जाता है ना। तुम दोनों तो साथ होकर भी एक नहीं हो जोया, और ऐसे में ये कहना कि असद सिर्फ तुम्हारा है कुछ अजीब नहीं है? वो क्या कहा था तुमने, स्ट्रेंज? क्या स्ट्रेंज? स्ट्रेंज तो ये है नहीं? तुम्हें पता है अब मुझे तुम पे गुस्सा ही नहीं आता, तरस आता है, अफसोस होता है तुम्हारी हालत देख के। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करके मिस्टर खान को और मुझे जुदा कर सकती हो, ऐसा लगता है तुम्हें? प्लीज, मिस्टर खान सिर्फ मेरे हैं, उन्हें भूल जाओ। तो ठीक है, तुम भी अपने अब्बू को भूल जाओ। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे अब्बू या सर। या भी नहीं है तो आप उसे बात करने वाले थे, मैं ही पागल हूं, शायद वो मुझसे निकाह ही नहीं करना चाहते हैं। आठ बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, thank you।
ये क्या तमाशा है? मैं आपसे हुमैरा का हाथ मांगने आया हूं। हम निकाह करना चाहते हैं। निकाह? अगर कोई लड़की किसी को दिलो जान से मोहब्बत करे तो वो उससे निकाह तो करना चाहेगी ना। हमें बस आपकी दुआएं चाहिए। तुम अपनी हद से गुजर रहे हो। लेकिन आपकी बेटी तो बहुत पहले अपनी हद पार कर चुकी है सिद्दीकी साहब। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए? कितनी बार तो आपसे कह चुका हूं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आप एक ही बार बार मुझसे पूछते हैं। मुझे मेरा बदला चाहिए, आपकी बर्बादी। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका पूरा हिसाब चुकता करके जाऊंगा। खुदा के वास्ते हमारी बेटी को छोड़ दो, उसके साथ ऐसा कुछ मत करो। हमारी बच्ची बहुत मासूम है, मासूम है वो। ऐसे कैसे छोड़ दो? आपने सिर्फ मेरे अम्मी अबू को मुझसे दूर नहीं किया बल्कि उन्हें भी मुझसे छीन लिया जो मेरे सबसे अजीज थे। हाँ कह दीजिए सिद्दीकी साहब, हाँ कह दीजिए, वरना मैं हुमैरा को और भी बड़ी जिल्लत दूंगा। उसकी तस्वीरें शहर के दीवारों पर चिपका दूंगा जो मेरे और हुमैरा के प्यार की निशानी है। और अगर एक लड़की की ऐसी तस्वीरें शहर के दीवारों पर चिपकती है तो आपको तो पता ही है उसका मतलब क्या होता है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। जलील इंसान! अबू! मेरा बेटा रुको। कितना बुरा लगा बिचारी को। तुम एक शैतान से भी बदतर हो। और आप क्या है? एक बहुत ही अच्छे बाप। अगर आपको अपनी बेटी की थोड़ी सी भी परवाह है तो इस निकाह के लिए हाँ कह दीजिए सिद्दीकी साहब। उसकी किस्मत ही खराब है, हमेशा उसे धोखा ही मिलता है, हमेशा उसका दिल टूटता है। अगर इस बार फिर उसका दिल टूट गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठे। आगे जैसे आपकी मर्जी। तनवीर, मेरी किस्मत ने मुझे मिस्टर खान से मिलाया और अब मेरी किस्मत ही मुझे मेरे अब्बू से मिलवाएगी और तुम इसका जरिया बनोगी क्योंकि तुम मुझे उन तक पहुंचाओगी और मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी, समझी? और हां, मेरे वलीमा की बड़ी फिक्र है तुम्हें। छह दिन की बात की थी ना तुमने, छह दिन के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अब्बू कौन है। लेकिन तुमने तुम्हारी फितरत के मुताबिक अपना वादा नहीं निभाया। आज एक वादा मैं तुमसे करती हूं। आज से कुछ दिनों के बाद हमारा वलीमा होगा। एंड यू नो व्हाट? उसकी सारी तैयारियां तुम करोगी, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे वलीमा में मेरे अब्बू मेरे साथ होंगे।
मेरा वादा है तुमसे।